तालिबानी सोच का मुनव्वर दीवाना, इसी विषय को लेकर लगातार चर्चा जारी है। आपको बता दें, मुनव्वर राणा की ओर से कहा गया है कि जितनी क्रूरता तालिबान अफगानिस्तान में कर रहा है उससे कहीं ज्यादा क्रूरता हिंदुस्तान में है। इसी बात को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मौलाना कादरी आपके पास आते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों का कत्लेआम हो रहा है और कुछ लोग हिंदुस्तान में बेशर्मी भरा बयान देते हुए समर्थन कर रहे हैं, आप ही लोगों के ऊपर इशारा है उनका। देखिए, योगी आदित्यनाथ को यूपी में हुकुम अभी इलेक्शन का उनको एक पॉइंट मिल रहा है कि तालिबान के नाम पे इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उनकी पूरी कारकर्दगी में कहीं पर भी प्रदेश के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया गया। अब वो नाकाम चीफ मिनिस्टर है, इसीलिए बयान दे रहे हैं। रही बात अच्छा तालिबान तालिबान की, तालिबान की से ताइद तालिबान करने वाला तालिबान से यहाँ अच्छा पर काम कोई किसी नहीं ने नहीं है। किया, जो काम तालिबान तालिबान की ने किया है ताइद, दुनिया के अंदर किसी ने नहीं किया, ये बात ठीक है। जो तालिबान काम की, तालिबान ने तालिबान किया वो की दुनिया के जरा अंदर बात किसी ने करने नहीं किया। दीजिए, योगी तालिबान आदित्यनाथ की तो कभी नहीं ताइद कर यहाँ पर सकते, कोई नहीं कर ये रहा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अरे आप तालिबान बैठ के तब से तालिबान की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका आदरी साहब भी कोई तारीफ नहीं कर रहा है, तब से बैठकर आप क्या कर रहे थे आधे घंटे तक? बार बार तालिबान 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 तालिबान, इतना प्यारा लग रहा है आप लोगों को कि इराक में बमबारी की, इराक को बर्बाद कर दिया, सीरिया को बर्बाद कर दिया, लीबिया को बर्बाद कर दिया, आज वो हार के वापिस जा रहा है। तो इसकी खुशी है लोगों में ये खुशी है कि सुपर पावर को हरा दिए हो, उनकी पॉलिसी के इत्तेफाक नहीं है। लेकिन अमेरिका की बर्बरियत का जवाब दिया तालिबान ने, इसकी खुशी जरूर है। आप मुझे लगता है, देखिए अभी कोई टिकट की भी जरूरत नहीं है आपको। इस समय भारत से जाने वाली अफगानिस्तान की सारी फ्लाइट खाली जा रही हैं। ये सारे के सारे तालिबानी और तालिबानी समर्थकों को उसमें ला दो और उनको भेज दो, उस दिन तो बिताओ अपने तालिबान में जाएंगे। अरे शर्म करो, दिल्ली के गलियों में, दिल्ली के गलियों में सिख भाइयों को मारा किसने था? भारत में वो भी सोच संकट कीजिए, भारत में जो भी क्रूरता करता है उसकी आप मदद कीजिए। तालिबान की जहाँ पर हम मदद करते हैं वहाँ पर हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम कीजिए, गुजरात में मरने वालों की भी मदद कीजिए, दोनों तरफ की मदद कीजिए। जहाँ तालिबान की मजम्मत है वहाँ पर सिख भाइयों की। अरे मौलाना कादरी साहब, हिंदुस्तान में अदालत सर्वोच्च है, सबसे बड़ी है, और अदालत की ओर से इस पूरे मामले में फैसला आ चुका है, आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ता क्या? और वैसे भी आपने चश्मा लगाकर बैठा हुआ है सर, आंखें खोलकर साफ साफ देखिए कि हिंदुस्तान की स्थिति और तालिबान। एक सेकंड सुनिए ना सर, ये जो आप लोगों का इतना ज्यादा प्यार है ना, शरीयत का कानून क्या कहता है महिलाओं को लेकर? शरीयत का कानून क्या कहता है महिलाओं को लेकर? 0% साक्षरता, 0% साक्षरता तालिबान के राज में थी अफगानिस्तान में, अब 83% है, सब खत्म हो जाएगा। ये बैठकर उरों के चक्कर में मारे ही गए थे, मुसलमानों को बर्बाद करिए, मुसलमानों की, आप लोगों की ये जो सोच है ना जिसमें जहर भरा हुआ है सर, ये खत्म कब होगी? ये बड़ा सवाल है। आप हिंदुस्तान की तुलना कैसे कर सकते हैं तालिबान से? तालिबान का कोई समर्थन नहीं करता, और ये हिंदुस्तान में जहाँ पर बैठ कर इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, अगर आप रहते अफगानिस्तान में तालिबान में तो आपको पता चलता कि बोलने की कितनी आजादी और स्वतंत्रता है वहां पर। गोली की बोली बोली जाती है अफगानिस्तान में, इतना सुना नहीं जाता यहाँ पर बैठकर। मत करूंगा जो कारागिरी करते हैं, कर रहा हूँ इनको, तालिबान की सारी फ्लाइट खाली जा रही है अभी, यहाँ के सारे तालिबानियों को इकट्ठा करके उसमें पटक दो। और ये जब जब शरीयत का कानून बताइए ना महिलाओं के लिए क्या बोलता है? जाएगी महिलाओं की आजादी तो आप लोगों को पसंद है नहीं, आप चाहते हैं कि वो हमेशा घर के भीतर रहे, बिल्कुल बाहर को दिखाई नहीं दे, आप लोगों के गुलाम बनी रहे। ये गुलामी मानसिकता छोड़ दीजिए कादरी साहब। शरीयत को बदनाम करता है तो ठीक है, मैं लाना चाहूंगी दूसरे मेहमानों को, बाकी मेहमानों को भी लाया जाए। एक बार अभय दुबे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर बिलाल खान और सैयद जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आऊंगी। जब अमेरिका पर यह आरोप लगा कि आपने तालिबान को वहां रास्ता दे दिया आने के लिए एग्रीमेंट के थ्रू, तो पहले तो जो बाइडन ने कहा कि वो ट्रंप जी के समय से था और उन्होंने कहा अफगानिस्तान वॉज नेवर अबाउट द नेशन बिल्डिंग, लेकिन प्रधानमंत्री जी हम तो अफगानिस्तान की नेशन बिल्डिंग कर रहे थे, आपने क्यों उस एग्रीमेंट पर सहमति दे दी, आपने क्यों अनुमति दे दी कि तालिबान वहां पर आकर राज करे? प्रधानमंत्री जी देश ये पूछता है।
19 फरवरी 2020 के अनुबंध पर आपने वहां जाकर सहमति क्यों दी प्रधानमंत्री जी? अभी क्या करना चाहिए आप बताइए ना, फिर अमेरिका ने क्या किया? अभय दुबे जी अभी क्या करना चाहिए सरकार को, क्या करना चाहिए आप बताइए, क्या करना चाहिए सरकार को? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए हुआ क्या है, सरकार के साथ जानती है, 15 अगस्त को अमेरिका ने 125 राष्ट्रों के साथ जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा, डिप्लोमेट की सुरक्षा, उसमें से भारत को बाहर कर दिया। उधर ट्रोइका जो एक संगठन है जिसमें रशिया की अगुवाई में अमेरिका है, चीन है, पाकिस्तान है, तालिबान को भी रखा, लेकिन भारत को बाहर कर दिया। अभी भारत क्या करे प्रधानमंत्री जी बताइए ना, अभी क्या करे हिंदुस्तान? अभय दुबे जी आप बताइए ना, भारत को कभी, देखिए भारत को कभी इस बात पर दृढ़ता से अडिग रहना था कि हम नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम में लगे अफगानिस्तान से। तालिबान को आने की मोदी जी ने अनुमति दी, इसका अर्थ है कि वो पाकिस्तान, तालिबान को मोदी जी ने आने की अनुमति दी है, तालिबान को मोदी जी ने आने की अनुमति दी है। 19 फरवरी का अनुबंध अमेरिका का, उस पर आपने सहमति क्यों दी? आप 3 बार मिले उप प्रधानमंत्री के कहने पर, बुलावे पर गए हमारे विदेश मंत्री, यहाँ पर तालिबान से मुलाकात की कि नहीं? जवाब ठीक है, जवाब सुन लेते हैं, जगह पर मुलाकात की, ठीक है।